जैसे कि हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का सीरीज़ स्टार्ट किए थे, तो ये सीरीज़ नंबर 15 है। इससे पहले हम लोग 14 क्लासेस कर चुके हैं अभी तक। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा। लगभग उसमें 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने किए हैं। आज हम लोग यहाँ पर 11 क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। बाइलिंगुअल हम लोग समझते हुए चलेंगे ताकि समझने में ईजी हो सके। आज जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 क्वेश्चंस को करेंगे, इम्पोर्टेंट है ये सारे के सारे, तो आपको अच्छे से यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला जो क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट इज वेरी वीक इन मैथमेटिक, व्हाट वुड यू लाइक टू डू टू हेल्प हिम। देखिए, एक जो विद्यार्थी है यानी स्टूडेंट है, वो गणित में बहुत कमज़ोर है, तो आप उसकी मदद के लिए क्या करना चाहेंगे। ऑप्शन ए है, यू वुड ऑर्डर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन मैथमेटिक टू हेल्प द वीक स्टूडेंट। आप उनको ऑर्डर करेंगे जो अधिक अधिक इंटेलिजेंट हैं, आप उनको ऑर्डर करेंगे जो अधिक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनके पास। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, वुड यू गिव प्रॉपर एडवाइस टू द पेरेंट ऑफ द स्टूडेंट इन हिज कॉन्टेक्ट। आप पेरेंट्स के पास जाने के लिए उनको एडवाइस करेंगे। और ऑप्शन सी है, वुड यू टॉक टू द स्टूडेंट एंड फाइंड आउट व्हाट आर हिज प्रॉब्लम इन मैथमेटिक, लेटर यू वुड सॉल्व दोज प्रॉब्लम। ऑप्शन सी जो डी जो है यहाँ पर देखिए, यू वुड गेट एन एडवाइस फ्रॉम द प्रिंसिपल इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, जो कि यू वुड टॉक टू द स्टूडेंट, आपको स्टूडेंट से बात करनी चाहिए और फाइंड आउट व्हाट आर हिज प्रॉब्लम, और आपको उसकी क्या समस्या है उसको देखना है मैथमेटिक्स में। फिर लेटर यू वुड सॉल्व दोज प्रॉब्लम, फिर उसके बाद उसको आप सॉल्व करेंगे कि वो मैथमेटिक्स में किस पॉइंट में वीक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी होगा। नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन। अच्छा, हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ आप मान के चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, सम टीचर्स गिव ट्यूशन, कुछ जो टीचर हैं वो क्या करते हैं, ट्यूशन देते हैं। इन योर ओपिनियन व्हाट इज द रीज़न फॉर दिस, आपके विचार में क्या कारण हो सकता है। ठीक है, कुछ टीचर्स जो हैं ट्यूशन देते हैं ना, तो आपके विचार से क्या कारण हो सकता है। यहाँ पर आपको भी एक टीचर मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपने आप को एक टीचर मानना है। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं हुआ, लेकिन पहला है, दे गेट इम्पीरियर अपॉर्चुनिटीज टू रिवाइज द सब्जेक्ट मैटर बींग स्टडीज। ऑप्शन बी है, दैट इज हाउ दे आर एबल टू कीप देमसेल्व बिजी इन क्वाइट अ यूजफुल मैनर, वो अपने आप को बिजी रखने के लिए। ये तो होगा नहीं, टीचर अपने लिए करेंगे, मतलब ये सब ऑप्शन होगा। यहाँ पर एलिमिनेशन मैथड को हम लोग को लगाना होगा, उसके बाद जो है अप्रोप्रिएट आंसर को चूज करना है। तो यहाँ थर्ड देखिए, दे नर्चर इंटेंस फीलिंग ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट। और ऑप्शन डी यहाँ पर, दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन अर्न मनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है, दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए वो इन्वॉल्व्ड होते हैं। दूसरा है, यानी कि तीसरा, पहले हम लोग लास्ट वाला कर चुके हैं, तो अच्छा मान के चलिए ये दूसरा क्वेश्चन है, योर ओपिनियन इज दैट, आपका क्या ओपिनियन हो सकता है। यू कैन डू मच मोर देन वट एवर यू आर डूइंग एट प्रेजेंट। ऑप्शन बी है, वट एवर यू मे बी एबल टू डू अकम्प्लीश इज इनफ। ऑप्शन सी है, वट एवर यू आर डूइंग इज सफिशियंट, जो भी आप कर रहे हैं क्या वो सफिशियंट है। ऑप्शन डी होगा, यू आर डूइंग मोर देन वट यू कैन डू और एकम्प्लिश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, जो कि यू कैन डू मच मोर देन वट एवर यू आर डूइंग एट प्रेजेंट। हम लोग एट प्रेजेंट यानी अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं उससे अधिक कर सकते हैं, ये ओपिनियन होना चाहिए हर एक में। तीसरा नंबर है,
इन द प्रोफेशन ऑफ टीचर द मोस्ट बेनिफिशियल एस्पेक्ट इज, देखिए प्रोफेशन ऑफ टीचर द मोस्ट बेनिफिशियल एस्पेक्ट, एक लाभदायक एस्पेक्ट क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी है। ऑप्शन बी है एन अपॉर्चुनिटी टू डोमिनेट द चिल्ड्रन, अब विद्यार्थियों पर हावी हो जाएं। और ऑप्शन सी है, देखिए हैप्पी अर्निंग फ्रॉम ट्यूशन वर्क बिसाइड अर्निंग थ्रू सैलरी। और ऑप्शन सी है सफिशियंट नंबर ऑफ होलीडेज इन ए ईयर। देखिए ऐसे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा जिसपे हम लोग को एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, खुद को एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, सुपीरियर टीचर इज द वन हु, सुपीरियर टीचर कौन हो सकता है, कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए है स्ट्रिक्टली फॉलोज द नॉर्म्स ऑफ, ऑप्शन बी है टेक एन इंटरेस्ट इन द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, ऑप्शन सी होगा गिव लीडरशिप टू स्टूडेंट, ऑप्शन डी है गिव हिज कंप्लीट टाइम टू द स्कूल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, जो कि टेक एन इंटरेस्ट इन ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी है उसकी विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए सभी प्रकार की चीज़ों को करने में वो क्या इंटरेस्ट लेता हो, तो ये एक इफेक्टिव क्वालिटी हो जाता है टीचर का। ठीक है, गुड क्वालिटी ऑफ टीचर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, ए टीचर लर्न्स द मोस्ट फ्रॉम हिज, एक जो शिक्षक होता है वो सबसे ज़्यादा किससे सीखता है? ऑप्शन ए है प्रिंसिपल, ऑप्शन बी है बुक्स, ऑप्शन सी है एडमायर, ऑप्शन डी है स्टूडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर स्टूडेंट होगा। स्टूडेंट कैसे होगा, देखिए टीचर सबसे ज़्यादा नज़दीक हमेशा दिन भर में सबसे अधिक पास वो किसके साथ रहता है, स्टूडेंट के साथ रहता है। और वो कहते हैं ना कि जिसके साथ हम रहते हैं आस पड़ोस में, हम उससे ही कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो एक जो टीचर है ना वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट से ही सीखता है, लर्न करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, शुड अ टीचर प्ले अलोंग विद स्टूडेंट इन गेम, क्या एक टीचर को स्टूडेंट्स के साथ खेलना चाहिए? तो इसको हाँ या ना में आंसर देना है। सम टाइम कभी कभी खेलना चाहिए, नेवर यानी कि कभी नहीं। थर्ड है यस, और फोर्थ होगा इज एंड वेन द प्रिंसिपल विशेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यस, हमें जो है स्टूडेंट्स के साथ खेलना चाहिए। जैसे कोई अगर आपका साइंस का सब्जेक्ट हो उसमें कुछ प्रैक्टिकल वगैरह करना है, उसको खेल विधि से समझाना होगा, तो हमें उसके साथ स्टूडेंट्स के साथ प्ले करना होगा, प्ले अलोंग विद स्टूडेंट इन गेम। सात नंबर क्वेश्चन है, इफ़ अ स्टूडेंट मिसबिहेव विद यू, अगर कोई स्टूडेंट आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, देन एज ए टीचर, आप एज ए टीचर व्हाट वुड बी योर रिएक्शन, आपका रिएक्शन क्या होगा? पहला देखिए, यू वुड पनिश द स्टूडेंट सो दैट ही पेड इवेंटली फॉर हिज ऑफेंस, आप उसको पनिश करेंगे। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वहाँ पनिश वर्ड देख के ही आप उस ऑप्शन को काट देंगे, तो यहाँ पर ये पनिश हमें नहीं करना है। यू शुड पार्डन द स्टूडेंट इन फॉरगेट द इंसिडेंट, हाँ ये हम कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है यू वुड फाइल अ कंप्लेंट विद द प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल को कंप्लेन कर सकते हैं। और ऑप्शन लास्ट वाला जो है यानी कि डी, यू वुड कंप्लेन टू अदर टीचर ऑफ द स्कूल एंड इनिशिएट अ कंप्लेन एक्सप्लेन हिम फ्रॉम स्कूल, यानी कि आप दूसरे टीचर्स के से कंप्लेन करेंगे, तो ये सब हमें नहीं करना है। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा यू शुड पार्डन द स्टूडेंट इन फॉरगेट द इंसिडेंट्स। देखिए अगर स्टूडेंट फर्स्ट टाइम वो गलती कर रहा है फर्स्ट टाइम, तो आपको क्या करना है, उसको पार्डन यानी कि माफ़ कर देना है। फिर भी अगर वो नहीं समझता, सेकंड टाइम भी वो कर रहा है, ठीक है, सेकंड टाइम भी वो गलती कर रहा है, तो
हमें प्रिंसिपल को बताना होगा। फर्स्ट सेकंड टाइम भी वो बात नहीं मान रहा, थर्ड में क्या करना है, उनके फैमिली वालों यानी कि उनके पेरेंट्स को बताना है। तो ये इसके जो है स्टेप वाइज आप इसे देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम में क्या करना है, उसको माफ़ करना है। सेकंड में प्रिंसिपल नहीं सुनता है तब, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यू शुड पार्डन द स्टूडेंट इन फॉरगेट द इंसिडेंट। आठवां नंबर क्वेश्चन है, एज अ टीचर व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट वुड बी डीम्ड सीरियस बाय यू। एक शिक्षक के रूप में एक छात्र का किस प्रकार का व्यवहार आपके द्वारा गंभीर माना जाएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट है क्या कर रहा है, वो उसकी जो बिहेवियर है वो तो एक्सप्रेस करेगा ही, बिहेव करेगा वो जैसे है वैसे। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा गया है किस प्रकार का व्यवहार आपके द्वारा गंभीर माना जाएगा। ठीक है, आपके द्वारा क्या, किस प्रकार का, व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर जो है स्टूडेंट का, वो क्या माना जाएगा, सीरियस आपके द्वारा माना जाएगा। आपका ओपिनियन यहाँ पर पूछ रहा है। ऑप्शन है इनकम्प्लीट होमवर्क, ऑप्शन बी है टॉकिंग टू अदर स्टूडेंट इन द क्लास ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए लेक्चर, ऑप्शन सी होगा आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास, और ऑप्शन डी है स्लाइटली स्लो वीक इन स्टडीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा टॉकिंग टू अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ए लेक्चर। देखिए लेक्चर चल रहा है उसके क्लास में, उसके दौरान ही वो क्या करता है, दूसरे बच्चों के बारे में वो बात करता है। तो इससे यही जो है आपके लिए हो सकता है सीरियस मैटर, थे गंभीर माना जा सकता है इसको। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए लेक्चर इन द क्लास टू स्टूडेंट्स टॉक टू ईच अदर। देखिए क्लास के दौरान जो है लेक्चर, क्लास में लेक्चर के दौरान दो जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, टॉक टू ईच अदर। इन योर व्यू, आपका व्यू क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, ड्यू टू दिस एक्शन ऑफ दिस टू स्टूडेंट्स, आपका विचार क्या है इन दो छात्रों की कार्रवाई के कारण। ठीक है, ऑप्शन ए है बोथ ऑफ देम सफ़र, दोनों उससे सफ़र हो रहे हैं। ऑप्शन बी होगा द एंटायर क्लास सफ़र। ऑप्शन यहाँ पर सी है द अटेंशन ऑफ द टीचर इज़ डिवाइडेड। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका आप करेक्ट आंसर देख रहे हैं, ऑल ऑफ दिस होगा। दो बच्चे अगर चलती क्लास में बात कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, वो दोनों तो डिस्टर्ब होंगे ही, साथ में पूरी की पूरी क्लास होगी, और जो जो टीचर पढ़ा रहा होगा उसका अटेंशन क्या होगा, बिगड़ जाएगा। ठीक है, उसकी ओर ध्यान चला जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, जो कि ऑल ऑफ दीज है। दस नंबर क्वेश्चन है, विच मेथड वुड यू लाइक टू अडॉप्ट टू टीच अ न्यू सब्जेक्ट इन द क्लास। कक्षा में एक नया विषय पढ़ाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाना चाहेंगे। ऑप्शन ए है यू वुड टेल अ स्टूडेंट्स टू राइट एन आर्टिकल ऑन दैट सब्जेक्ट। आर्टिकल लिखवाना ये नहीं होगा। ऑप्शन टू है यू वुड गिव अ स्मॉल लेक्चर टू स्टूडेंट रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। ऑप्शन सी है यू डिस्कस द सब्जेक्ट विद स्टूडेंट इन द लाइट ऑफ देयर नॉलेज अबाउट इट, देन यू वुड गिव सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट। हाँ, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और 11 नंबर क्वेश्चन तो हम लोग सबसे पहले कर ही चुके थे। तो ये थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे ही टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने लगभग 250 से अधिक क्वेश्चंस को कर लिए हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग उनको ज़रूर से उन क्लासेस को लगाएं, और नीचे में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगी, जिससे कि जिसमें कि ये जो PDF है उसको मैं वहाँ शेयर करूँ, और आप लोग बाद में उसको प्रैक्टिस रिविज़न एक दो बार कर लेंगे तो याद रहेगा।